ऑल राइट गाइज बहुत लोग का यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा था कि हमारे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है या फिर नहीं है ये हम कैसे पता करेंगे और अगर लिंक है तो वो कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है ये भी हम कैसे पता करेंगे एंड अगर लिंक नहीं है तो हम कैसे लिंक करेंगे इसकी भी जानकारी हम इस वीडियोस के अंदर में आपको देने वाले हैं तो चलिए इस वीडियोस के स्टार्ट करते हैं एंड इसके बारे में पूरी जानकारी आपको बड़ी आसानी से बताते हैं ओके okay, तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है एंड गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है यू आई डी ए आई जैसे इसको सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको यू आई डी ए आई का वेबसाइट्स का यहाँ पे लिंक मिलेगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया यहाँ पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है क्लिक करोगे थोड़ा सा लोडिंग लेगा कभी कभी स्लो काम करता है तो थोड़ा सा सर्वर का प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे आपको थोड़ा लेट से ओपन होगा तो ज़्यादा यहाँ पे हर बनाने वाली बात नहीं है ये ज़्यादा हर बनाने वाली बात नहीं है ये वेबसाइट्स खुलने के बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे आओगे और नीचे जैसे आओगे तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पर आधार सर्विसेज़ का इस आधार सर्विसेज के नीचे एक आपको ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई आधार का यहाँ पे आपको सिंपल पल क्लिक करना है वेरीफाई आधार पे एंड यहाँ पे आपको वेलकम टू तो माय आधार यहाँ पे एक लॉग का ऑप्शन मिलेगा तो यहाँ पे आपको लॉगिन नहीं करना है आपको नीचे फिर से आना है स्क्रॉल डाउन जैसे ही करोगे तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड आधार डॉक्यूमेंट अपडेट वेरीफाई मोबाइल नंबर ई मेल बहुत से लोग यहीं पर आकर के चीज़ें को कम्प्लीट करते हैं बट आपको ये सब नहीं करना है एंड यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है बट हमको चेक करना है कि हमारा मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है या फिर नहीं है या फिर यूँ कहे कि हमारे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर कोई लिंक है या फिर नहीं है ये चेक करना है तो हमको यहाँ पे सिंपल सा एक ऑप्शन मिलेगा चेक आधार वैलिडिटी का इस ऑप्शन पे हमको सिंपल सा क्लिक करना है जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे बोलेगा एंटर आधार नंबर एंड यहाँ पे बोलेगा एंटर कैप्चा तो सबसे पहले हमको एंटर आधार नंबर करना है एंड उसके बाद कैप्चा करना है लेकिन कैप्चा ये जो तो आपको दिख रहा है इसको आपको नहीं फिलअप करना है मैं आपको अभी बताता हूँ कि कौन सा कैप्चा को भरना है ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पर हमको आधार नंबर डालना है तो यहाँ पर हम अपना आधार नंबर डाल लेते आपका जो आधार नंबर है वो यहाँ पर आप एंटर करोगे तो हम अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर करते हैं आधार नंबर डालने के बाद में नीचे यहाँ पे एंटर कैप्चा बोलेगा तो ये जो कैप्चा आपको दिखा रहा है इस कैप्चा को आपको नहीं भरना है या फिर आपको जो कैप्चा दिखा रहा है उस कैप्चा को नहीं डालना है आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रीलोड का यानी नए कैप्चे के लिए तो यहाँ पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है एंड वो कैप्चा जो आपको पहले दिखा रहा था वो हट जाएगा एंड यहाँ पे एक नया कैप्चा आपको दिख करके आएगा तो जो कैप्चा आपको दिख रहा है इसको यहाँ पे आपको फिल करना है ओके okay, ये दोनों फिल करने के बाद में आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का यहाँ पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है क्लिक जैसे ही करोगे तो यहाँ पे आपको आपका आधार नंबर दिखाएगा कि आपका आधार नंबर एग्जिस्ट कर रहा है और आपका आधार वेरिफिकेशन कंप्लीटेड हुआ और यहाँ पे आपको जेंडर स्टेट आपका दिखाएगा एंड उसी के नीचे आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपके आधार से कोई मोबाइल नंबर लिंक है या फिर नहीं तो यहाँ से आप चेक कर, कर पाओगे कि आपके आधार कार्ड में कोई भी मोबाइल नंबर लिंक है या फिर नहीं है अगर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा तो यहाँ पर एन ए लिख करके आएगा यानी नॉट एड यहाँ पर आपको दिखाएगा तो इस तरह से आप चेक कर पाओगे कि आपके आधार कार्ड से कोई मोबाइल नंबर लिंक है या फिर नहीं तो काफ़ी आसानी से आप यहाँ पर चेक कर पाओगे उसके बाद यहाँ पर आपको गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद में जो चीज़ आपको करना है वो कर सकते हो लेकिन जो हमको बताना था आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा